जिला मिर्जापुर तहसील की खास खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर में बेमौसम हुई बरसात, 3 सांसद और 5 विधायक की पोल खुली। जहां थाना कटरा कोतवाली अंतर्गत नटवा चौकी से कई जनपदों को जोड़ने वाले हाईवे पर बना रेलवे अंडर पुल के नीचे बना मुसीबत का सबक। थोड़ी देर के बारिश में वहाँ भारी जल जमा हो गया, जिससे कि आवागमन में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। फिर आपसे एम्बुलेंस भी या बीमार व्यक्तियों को लेकर आती जाती है, जिसमें आज भी एम्बुलेंस काफ़ी देर तक फंसी रही। कई गाड़ी तो ऐसी थी कि जिसमें पानी जाते ही बंद हो जाती है। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन शासन प्रशासन और सांसद विधायक की तरफ से इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। यह एक दिन की बात नहीं है, आए दिन की समस्या है। जब भी जल जमा होता है तो लोग काफ़ी परेशानियों का सामना करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस महामारी में जहां लोग लेकर अपने मरीजों को ऐसे जल जमाव से गुजर रहे हैं, वहीं शासन प्रशासन अपने रसूख रखने वालों का ध्यान रखना जाए समझती और लोगों का ध्यान नहीं रखती है। दो दिन के बारिश ने खोली 3 सांसद 5 विधायक की पोल, नगर में प्रवेश में कई चुनौती। जिला मिर्जापुर तहसील चुनार से ब्यूरो चीफ शाहिद आलम की खास खबर। बिल मैंने ना हो गई थी क्या आपकी गाड़ी बंद हो गई थी क्या आपकी अभी? हाँ हाँ गाड़ी बंद हो गई पानी की वजह से। हाँ मैं ओम प्रकाश तिवारी नटवा का रहने वाला हूँ। यहाँ गीता स्वामी आश्रम में श्री दास महावीर हनुमान जी का मंदिर है, मैं प्रतिदिन जाता हूँ दर्शन करने के लिए। ये जो समस्या है पानी जमा हुआ है, ये कैसे होता है, कब होता है? दरअसल इसमें ये यहाँ पानी का निकास जो है, जो पहले था वो सब लोग कुछ अधिग्रहण कर लिए हैं, मकान वकान बना लिए हैं, और बराबर रेलवे विभाग के जो ठेकेदार हैं, हमारे जान में कम से कम 3-4 बार ये बना, लेकिन ये समस्या जो है बना रहता है। जब बरसात होता है खूब तो यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, और गाड़ियाँ जो है इसी तरीके से जब जाती है उधर पानी में फंस जाती है, और जब पानी में फंस जाता है तो फिर लंबा जाम लग जाता है। ये समस्या तो बहुत लंबा है। अधिकारी इधर आते हैं तो क्या देखते नहीं हैं? अधिकारी क्या देखेंगे, ये मेन रास्ता है, सोचिए 4 लाइन का ये जो है रास्ता है, इस पर सभी अधिकारी और ये आपके नगर पालिका अध्यक्ष वगैरह सभी आते जाते रहते हैं, नेता हैं, MLA हैं, MP हैं, सब इसी रास्ते से जाते हैं और सब देखते रहते हैं। कभी आप लोगों ने कंप्लेन किया इसके बारे में? इसके बारे में जो कंप्लेन कई बार जो है, कुछ लोगों ने तो ये कहा कि भाई विभाग के लोग जो है वो क्या करते हैं कुछ समझ में नहीं आता है, कंप्लेन करके लोग करेंगे क्या, जब ये लगभग 10 साल से ये स्थिति बनी हुई है। अच्छा चलता है कि बीच में जो है गाड़ियां बंद हो जाती है तो यहाँ अवसर मिल जाता है लोगों को पैसा कमाने का? हाँ खूब बढ़िया अवसर मिल जाता है, और गाड़ियां रुकने के लिए तो कभी कभी लोग जो है ढोका डाल देते हैं ना पत्थर, ताकि गाड़ी जाए और टकरा करके वहीं रुक जाए, फिर उनको पैसा कमाने का जो है नरगल पैसा लेते हैं। जो जाम में फंस जाती हैं गाड़ियां, जैसे बरसात में बीच में फंस गया उसी में जाकर तो नरगल पैसा लेते हैं? नहीं, पैसा लेकर के अगर किसी आदमी का गाड़ी फंसा हुआ है तो वो तो बेचारा अपना गाड़ी निकालेगा ही, उसमें परेशान क्यों होगा। 100, 200, 500, 1000 जैसा देखते हैं वैसा यहाँ लोग ले लेते हैं।